अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं इतनी कोई ज़बरदस्त मार्केट शेयर करने लगी हूँ। रश देख के आपको लग रहा होगा कि फ्री में मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जी BZU यूनिवर्सिटी का जहाँ गेट है ना बैक साइड पे, ये उसी जगह पे बहादुरपुर में ये मार्केट लगती है। वेनसडे ये मार्केट है। यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का डेमो ले रही थी, बिकॉज मार्केट के रेट 250 में। हाँ जी, ये कैले का ग्लोव 550 वाला, ये भी 250 में मैं दे रहा हूँ। ये इसके मैट ग्लोव वाटर प्रूफ रेप्लिका है या ओरिजिनल है? ओरिजिनल। मैं कोई चीज़ भी रेप्लिका नहीं दूंगा, चोइस भी बैड नहीं दूंगा और एक्सपायर्ड नहीं दूंगा, फ्रेश दूंगा और कैप के साथ दूंगा। इसके अलावा मेरे पास जो स्पेशल आइटम आई है वो देखें आप, अगर आप देखना चाहती हैं। 5 मिनट्स एमरजेंसी फिशल, और ये जो है 12 घंटे वाइटनिंग वाली बेस है जो मैक की है, एक कतरा 12 घंटा वाइट रखता है। बाजू करें, इसका रिजल्ट देखें आप, सिर्फ एक कतरा लें। और ये जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये ओरिजिनल नहीं होते, मास्टर कॉपी होती है। बट लिप ग्लॉस लॉन्ग लास्टिंग था, बेस भी काफ़ी अच्छा इसने मुझे रिजल्ट दिया। और ये जी शेल्ट का 200 में थी सिर्फ, और 100 में भी मिल रहे थे, काफ़ी मतलब रीज़नेबल थी, इसलिए इतना ज़्यादा रश था। और ये ग्लासेस भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और यहाँ पे मैं सारा चीज़ों का डेमो ले रही थी, तो मुझे एक भाई ने कहा कि यहाँ का भी बना लें, हम लोग भी सर्फ साबुन सेल करते हैं। मैंने कहा ओके वाई नॉट। तो यहाँ पे शूज़ भी थी, शूज़ खैर घर में पहनने वाली थी और ज़्यादा नहीं, वैरायटी रखी हुई थी। लेसेस भी थे, मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और निम्को वगैरह भी यहाँ पे थी, मैंने निम्को बाय की, मैक्रोनी बाय की, क्योंकि मैक्रोनी रीज़नेबल थे। और नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें का एक बार फिर से विज़िट करूँगी। बर्तन मुझे बहुत पसंद आए हैं, सिल्वर स्टील के ना, तो बर्तन इंशाल्लाह यहाँ से बाय करके उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। और ये भाई तेल वगैरह भी यहाँ पे सेल हो रहा था, काफ़ी लोग बाय कर रहे थे, क्योंकि उनके काफ़ी लोगों के घर के सामने बिल्कुल ये मार्केट है। उसके बाद जी यहाँ पे फिर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैंने कहा लोग माइंड ना कर जाएं। और यहाँ पे मैं आ गई थी आंटी शाजिया के घर, तो गपशप चल रही थी, और यहाँ पे भी ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं की। आंटी के फुल घर की मैंने वीडियो शूट की हुई है, मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे जी हुनैन जो है ना, वो ब्रेड पकौड़ा बना रही थी, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। मैंने घर आके ट्राई किए थे, लेकिन मेरे जो है ना बिल्कुल वैसे नहीं बने जैसे हुनैन के बने थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वीडियो बस थोड़ी सी शूट की है, क्योंकि मोबाइल मेरे बच्चों के पास था, वो कार्टून देख रहे थे। और अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।